हेलो दोस्तों, मैं एंकर कॉमेडी श्रवण कुमार। आर्टिस्ट की जिंदगी कितनी गंदी हो गई है वो अब पता चला है। एक मैंने स्टेज शो किया था मेरा रोड में, सुकुंस प्रॉपर्टी करके एक ब्रोकर है, और उसके पैसे के लिए मैं एक हफ्ते से उसे पैसे मांग रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहा था। फिर मेरे को धमकी देता था, गाली, तो मतलब जो करना आप करो, मैं आऊँगा, मेरे को पैसा चाहिए। गुस्से में मैंने बोला, उसने मुझे मीरा रोड पैसा देने के लिए बुलाया और मीरा रोड हाईवे से मुझे घसीटते हुए रिक्शे में जबरदस्ती भरे और वहां से जमीन पे घसीटते हुए ऑफिस में लेके गया और ऑफिस में ले जाके मुझे दरवाजा बंद करके मारा। और मैं पुलिस को फोन लगा रहा हूँ, वो बता रहे यहाँ के PSI सीनियर ऑफिसर सब मेरे दोस्त हैं, कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत बुरी तरह से ये फूट निकाल के मारा गया है और फिर मुझे मेरे काम के पैसे दिए और बोले पुलिस स्टेशन जाएगा तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मैं काशीमेरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, मुझे बोलते हैं पुलिस स्टेशन जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। मैं यहाँ का प्रॉपर्टी डीलर हूँ, उसका नाम है राजेंद्र मिश्रा, बोलता है कॉरपोरेटर, नेता वेता सब मेरे पहचान में है, तो तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। सर, ये हमारे देश का हालत है, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार आज लॉकडाउन में परेशान है, अपने रोजी रोटी के लिए तंग है और वैसे इंसान को यहाँ पे काम करने के लिए पैसे मांगने पे धमकी दी जाती है। पुलिस में आने के बाद मारा जाता है, खून बह रहा है, मैं रोड पे ऐसे पागलों की तरह घूम रहा हूँ। मैं इतने बड़े बड़े स्टेज शो के ऑफिसर्स मेरी पहचान में, मेरी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें जी। इस आदमी को बहुत कड़ी सजा मिल जाए। काशीमेरा HP पेट्रोल पंप से वो लोग ने मुझे रिक्शे में घसीटते हुए वो JP इंफ्रा तक के ऑफिस तक ले गया, वहाँ से जमीन पर घसीटते हुए बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बोलते हैं गाली दिया सर, जबकि मैं एक कलाकार हूँ, गाली कैसे दूंगा। मैंने बोला हाँ, जिसका जो करना है कर लो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं NGO चलाता हूँ, मेरा पैसा मुझे चाहिए, ये सारी बातें मैंने की थी। एक कलाकार के साथ इतना घोर अन्याय, इस वीडियो को शेयर करें, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि ये लोग बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, मुझे जहाँ से मारने के धमकी देते, पुलिस के सामने गाली देते, मारते हैं। मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ हुई जा रही है, बहुत परेशानी हुई रही है, मुझे शूटिंग के लिए चिल्लाया जा रहा है, डांटा जा रहा है, और मेरे जितने भी NGO के दोस्त हैं प्लीज़ मुझे आके मेरा सपोर्ट करें। मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा गया, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और मैं यहाँ कंप्लेंट लिखाने आया हूँ, मुझे सहायता नहीं मिली। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे हेल्प चाहिए। साहब, मैं पुलिस में बता, कहने बोलते हैं मला मार लेते हैं लोग, घसीट के सर लेके गए हाईवे से, घसीट के सर मेरे को मदद नहीं मिल रही क्या? हमको पुलिस ही मदद कर रहे हैं ना, आप मदद करो, आ जाओ, वो लाइन चालू है सर। नहीं बोल रहे ना, कंप्लेंट नहीं मेरा है सर, ऑफिस के अंदर मेरे को बंद करके मार रहे हैं। तुम हमको वो देखा है, उसने जो दाढ़ी वाला था, बोल रहे तू बोल रहा था, मैं आपको नहीं बोल रहा, पुलिस कंप्लेंट नहीं रही, ऐसा नहीं बोल रहा, पुलिस के पास में कंप्लेंट सर, मैं बोल रहा हूँ कंप्लेंट रहेगा तो हम तुम्हारे लिए आई है सर। याला मैं बोल लो तू चल, अरे पण पांच लोग ऐसा घेर के मार नहीं मार के इधर का, इधर पुलिस वाले मुझे मार के, मैं हेल्प लेने आ रहा हूं। इधर मत, तो बात नहीं, इधर बात करना, तो कंप्लेंट नहीं ले रहेगा इधर, मैं ऐसा बोला ही नहीं, फिर इधर क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा है? मैं अपना के एक मैं पैसा मांगने गया शो करके, इधर हमको पता ना, तू पब्लिक को बताएगा, तू पब्लिक तेरे को न्याय देगी क्या? पब्लिक दी नहीं ना, घसीट के लेके गए कोई इधर आके, तो इधर किस लिए आया तू? हॉस्पिटल में जाना पहले, तेरे को क्या होगा क्या?